जय हिंद दोस्तों। पिस्तौल या बंदूक जैसे हथियारों की जरूरत किसे होती है? जाहिर सी बात है कि पुलिस को, सेना को या फिर किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। और क्या आम नागरिक को भी हथियार की जरूरत होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए उन्हें पिस्तौल, राइफल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। मगर इसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस में नियम होता है आर्म एक्ट 1959। जी हाँ दोस्तों, और आर्म एक्ट होता क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल आर्म एक्ट यानी आयुध अधिनियम 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य भारत में आयुध एवं बारूद आदि के उपयोग को नियंत्रित करना होता है, ताकि अवैध हथियार और हिंसा पर रोका जा सके। तो दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहे। आर्म एक्ट 1959 की पूरी जानकारी दूंगा। और हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं यस के नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे देश में आर्म एक्ट 1959 लागू है, जिसमें आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर संशोधन भी किए गए हैं। इस कानून के तहत लाइसेंस के बिना हथियार रखना जुर्म है, किंतु अगर किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा है तो उसे अपनी रक्षा के लिए अग्निशस्त्र और कारतूस रखने का अधिकार है। हथियार रखने का लाइसेंस तभी मिलता है जब सक्षम अधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक को वाकई जान का खतरा है। इस लाइसेंस का समय समय पर नवीनीकरण भी कराना होता है। 21 वर्ष से कम उम्र के और आपराधिक व हिंसक गतिविधियों में रहने वाले व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता। हालांकि लाइसेंस लेने के बाद भी कई तरह के प्रतिबंध होते हैं। मसलन किसी भी नागरिक के लिए 9mm, 0.303 ब्रिटिश, 0.45 कैलिबर के अग्निशस्त्र एवं सेमी ऑटोमेटिक राइफल एवं ऑटोमेटिक हथियार रखना प्रतिबंधित है। आर्म एक्ट के मुताबिक एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा अग्निशस्त्र नहीं रखे जा सकते। इसके अलावा हथियार बनाने, बेचने, आयात निर्यात करने आदि के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। बगैर लाइसेंस अग्निशस्त्र, बम या कारतूस आदि रखने के मामले में न्यूनतम 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा इस कानून के तहत अपराध की प्रकृति के आधार पर विभिन्न मामलों में अलग अलग सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।